बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिक्स क्लास की मैथ का हम लोग चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है ड्रॉ नंबर लाइन टू एक्सप्रेस, इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करें। तो नंबर लाइन, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या होता है नंबर लाइन। एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह, जिसके दोनों तरफ एरोज होते हैं। सेंटर में हम इसके 0 ले से, इधर 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, -4। ये बेसिकली नंबर लाइन। इसको हम लोग अपनी आसानी के लिए मुख्तलिफ अशकाल में ढाल भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये क्वेश्चन है लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 9। अब इसके अंदर हम लोगों को नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, और 9 से लेके 15 तक हम लोगों को पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग 3 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 0, ये आ गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, इधर आ गया हमारे पास -3, -6। इस तरह हम लोग इसको अपनी आसानी के लिए डिफरेंट जगहों पे क्या कर सकते हैं, अपनी आसानी के लिए इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसके गैप्स रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त ज़रूरी है, जितना गैप यहाँ पर होगा पहले बॉक्स में होगा उतना ही अगले बॉक्सेस के अंदर होना चाहिए। यानी यहाँ पे 0 से लेके 3 डिजिट्स का गैप है, तो नेक्स्ट भी 3 का, फिर 3, इधर भी 3। ठीक है, इस नंबर लाइन जो होती है ये बेसिकली इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, यानी कि सही अदाद उन पर मुश्तमिल होती है। सही अदाद कौन से होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हों, 0 भी हो और पॉजिटिव नंबर्स भी हों। तो ये नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है जी लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 9। ठीक हो गया जी। अब इसको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। ये हम लोग अपनी आसानी के लिए इसको 3 के मल्टीपल पर क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, ताकि उसके अंदर 15 भी आ जाए और इसके अंदर 9 भी आ जाए। ये हमारे पास 0, इधर लेफ्ट साइड पे माइनस, यानी कम होते जाते हैं, 0 से -3, इधर 12, 15 और 18। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसने कहा ग्रेटर और लेस देन 15, यानी 15 इसके अंदर शामिल नहीं है, और ग्रेटर देन 9, यानी 9 भी इसके अंदर शामिल नहीं है, 9 से बड़े होने चाहिए, 9 उसके अंदर शामिल नहीं है। अब हमें पता है कि इसके दरमियान गैप कितना है, 3 का। इधर देखें, हम लोग इसको यूँ छोटे, ये 10 आ गया, ये 11 आ गया और ये 12, इतना गैप बनता है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 होगा, तो इसको हम लोग यूँ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये क्या है, 10। ठीक हो गया। और लेस देन 15, 15 से छोटा 14, वो यहाँ करके होगा, ये हमारे पास आ गया 14। तो अब इसको आप रेज कर दें, यूँ आपने इसको रिप्रेजेंट कर दें, ये आ गया आपके पास ग्रेटर देन 15, लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन 9। ये आपके पास जो लाइन बनती है, ये आपके पास है जी इसका आंसर। ये आपने इसको क्या कर दिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जी सेकंड है हमारा ग्रेटर देन 23, 23 से बड़े एंड लेस देन 34, 34 से छोटे। अब हम लोग इसको दोबारा से कर लेते हैं। आपने ड्रॉ किया, अब आपने 34 तक जाना है, तो आप इसको जिस तरह मर्जी 6 के मल्टीपल्स में कर लें, 7 के मल्टीपल्स में कर लें, 8 के मल्टीपल्स में कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप रख लें 0, यहाँ पे आप रख लें -8। मैं इसको 8 के मल्टीपल्स में कर रहा हूँ, 8
16, 24, 32, 40 और यहाँ पे आ गया 48 और आगे ये चलता ही जा रहा है। अब हम लोगों ने ग्रेटर देन 23, ग्रेटर देन 23 का मतलब है 24 से 24 एंड लेस देन 34 का मतलब है 34 से छोटे यानी 33 तक, 24 से लेके 33 तक। तो ये रहा हमारे पास 24 और 33, इससे थोड़ा सा आगे ये 33 आ गया हमारे पास। ये आप लोगों ने इसको नंबर लाइन के ऊपर क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया, और आप लोगों ने लिख देना है ग्रेटर देन 23 एंड लेस देन 34। ठीक हो गया जी। एक और कर देता हूँ मैं आपको, ग्रेटर देन 15 और 5 वाला, ग्रेटर देन 15। इसके लिए नंबर लाइन सबसे पहले आप ड्रॉ कर लें, 5 के मल्टीपल में कर लें, 0 माइनस 5 5 10 15 20 25 30 और अप टू सोनी चल। ग्रेटर देन 15 का मतलब है 15 उसके अंदर शामिल नहीं है, 16 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे 16 होगा, तो आपने यूं लाइन लगा दी और ये एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग इसको एंड कर देते हैं यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा 15 से बड़े जितने भी हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ग्रेटर देन 15। ये आप लोगों का, आप लोगों ने नंबर्स जो थे, ये जो आपको गिवन थे, आपने इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा और जो नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोगों ने सीखा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।